अस्सलाम वालेकुम गाइस, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं आज आप लोग के लिए ये बॉटल वास लेके आई हूँ, प्लास्टिक का है ये, ठीक है। इसको मैंने प्लास्टिक की बॉटल के ऊपर इस तरीके से ऊन से मैंने इसको डेकोरेट किया है एंड कुछ फ्लावर बेल वगैरह यूज़ की है मैंने। आप लोग देख सकते हैं, यहाँ मैंने छोड़ दिया था ये हिस्सा, उस पर मैंने नेल पॉलिश लगा ली है एंड ये फ्लावर मैंने खुद मेक किए थे। आप लोग देख सकते हैं किस तरीके से किए हैं, मेरे चैनल पर जाके इसकी फुल वीडियो है एंड मैंने इसको इकट्ठा करके इस तरीके से बना लिया है। एंड ये फ्लावर्स की वीडियो जो है मैं आपको एंड में लास्ट में दिखा दूंगी, गोल्डन फ्लावर मैंने किस तरीके से बनाया है एंड ये बेल वगैरह आप लोग देख सकते हैं ये मैं क्या क्या यूज़ कर रही हूँ। अगर आप लोग ये देखना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं कि ये फ्लावर किस तरीके से मैंने बनाए हैं, पर्पल वाला फ्लावर किस तरीके से बनाया है, लीव किस तरीके से बनाया है, रेड फ्लावर किस तरीके से बनाया है, तो वो आप रिक्वेस्ट करें कमेंट में, मैं आपको इंशाल्लाह उसकी भी वीडियो प्रोवाइड कर दूंगी अगर आप लोग देखना चाहते हैं तो। एंड सिंपली मैंने बोतल पे इस तरीके से अपनी ऊन को लगाया है, अटैच किया है, तो आप लोग देख सकते हैं किस तरीके से इजीली ये हो रहा है। मैंने पहले से ही तैयार करके रखी थी अपनी बॉटल, क्योंकि इसमें थोड़ा टाइम लगता, इसलिए मैं सिर्फ आप लोगों को यहाँ पे करके दिखा रही हूँ कि आप किस तरीके से ये करेंगे। एंड सिंपली आप लोग फिंगर की मदद से इसको थोड़ा सा ऊपर करते जाएंगे तो ये इक्वली गैप नहीं आएगा इस थ्रेड में, ओके। एंड आप यहाँ पे कोई सा भी कलर यूज़ कर सकते हैं, मेरे पास ये क्यूट सा कलर था एंड ये बहुत रियल सा टाइप का लग रहा था तो मैंने ये यूज़ किया। एंड ग्लू गन से आप लास्ट में स्टिच कर लीजिएगा इसको, ठीक है। एंड ये देखें, इसी तरीके से मैंने यहाँ पर एक बो बना दी है वाइट थ्रेड की, ठीक है, वाइट यान की ना मैंने एक बो बना दी है। एंड इसको थोड़ा लूज़ है ये, तो यहाँ पे मैं इसको जहाँ पे भी मुझे इसको सेट करना होगा मैं इसको ग्लू गन की मदद से आगे से मैं इसको अटैच कर लूँगी ये इसका ग्लू गन की मदद से, ठीक है। तो बाकी मैं इसको ऐसे ही रहने दूँगी एंड सिंपली ये फ्लावर मैं इस तरीके से लगाऊँगी, ठीक है। पर आप लोग को बताती हूँ कि मैं किस तरीके से ये बेल अटैच करूँगी। पहले मैं बेल अटैच कर रही हूँ, ठीक है, फिर मैं फ्लावर वगैरह अटैच करूँगी, ठीक है। तो ये ग्लू गन की मदद से मैं इस तरह इस बेल को अटैच कर लूँगी, ठीक है। ये देखें, ये मैंने अटैच कर लिया है ग्लू गन की मदद से। मैं वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं करना चाह रही थी, इसलिए सिर्फ आप लोगों को दिखा रही हूँ कि इस तरीके से आप लोग अटैच कर लीजिए, ठीक है। नॉर्मली बात है कि सबको पता ही होगा कि किस तरीके से ग्लू गन यूज़ कर ली जाती है, ठीक है। तो इस तरीके से मैंने बेल भी अटैच कर लिया एंड मैं यहाँ इसको भी अटैच कर लूँगी। ये देखें, इस तरीके से ये फिक्स हो गया है। यहाँ पर मैं फ्लावर लगा रही हूँ, ठीक है, फ्लावर आप लोग देख लें, ठीक है, क्योंकि ये फ्लावर का नीचे का हिस्सा जो है वो थोड़ा सा इस तरीके का था तो मैंने सोचा आप लोगों को दिखा दूंगी किस तरीके से ये फ्लावर पुश किया जाएगा एंड बीच में किस तरीके से लिया जाएगा एंड इसके कॉर्नर किस तरीके से ग्लू गन की मदद से किए जाएंगे। तो आप लोग ये देख सकते हैं कि मैं किस तरीके से कर रही हूँ, ठीक है। एंड बहुत ही थोड़ी थोड़ी ग्लू गन लगा रही हूँ मैं, ग्लू इसमें लगा रही हूँ, ठीक है, आप लोग देख सकते हैं, बिल्कुल थोड़ी लगा रही हूँ। साइड के साथ मैं इसको नीचे पकड़ के ग्लू गन को पीछे कर रही हूँ ताकि ये इजीली मेरी थोड़ी कम निकले एंड जल्दी से कवर हो जाए। ये आप लोग देख सकते हैं मैं किस तरीके से कर रही हूँ एंड इसी तरीके से मैं इसको लगा के मैं और फ्लावर्स को भी ऐड कर लूँगी, ठीक है। ये बता रही हूँ आप लोगों को मैं कि ये लीव यहाँ अटैच करूँगी मैं, ठीक है, एंड ये फ्लावर मैं नीचे अटैच कर लिए मैंने इस तरीके से। आप लोग देख सकते हैं, मैंने आप लोगों को दिखा दिया था कि किस तरीके के फ्लावर हैं, इसी तरीके से मैंने पूरा ये अटैच कर लिया है, ठीक है। एंड इस पर मैं इस तरीके से रख लूँगी, ये देखें ये मेरा पूरा रेडी हो चुका है। एंड फ्लावर मैं आप लोगों को दिखाती हूँ अब ये कि गोल्डन फ्लावर मैंने किस तरीके से बनाया था। ये देखें, इस तरीके से मैंने इसको गोल्डन फ्लावर बनाया था एंड साथ के साथ जिस तरीके से मैं घुमा रही हूँ इसको, थोड़ा थोड़ा सा घुमा के मैंने इसमें ग्लू गन से ग्लू लगा ली थी ताकि ये लूज़ ना हो एंड खुले ना, ठीक है। तो आप लोग भी इसी तरीके से लगा लीजिएगा, लेकिन मैं आप लोग को दिखा रही थी कि मैंने किस तरीके से बनाया है, तो सिंपली मैं आप लोग को दिखाने के लिए मैंने ये छोटी सी वीडियो लास्ट में ऐड कर दी थी कि आप लोग अगर बनाना चाहते हैं तो इस तरीके से बना सकते हैं, ठीक है। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं मैं किस तरीके से बना रही हूँ एंड प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग वीडियोस देखा करें तो लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर किया करें एंड कमेंट सेक्शन में लाजमी बताया करें कि आप लोगों को वीडियो कैसी लगती है। एंड इसी से बहुत ही रिलेटेड इस तरीके की और भी वीडियोस आप लोगों को मेरे चैनल पे मिलती रहेंगी और बहुत सी वीडियोस मिलती रहेंगी, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा एंड कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा आज की वीडियो आप लोगों को कैसी लगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।